जो स्टूडेंट कर्नाटका से MBBS करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी मिस कर गए थे, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बल्कि आखिरी चांस है। जी हाँ, UGCET के लिए रजिस्ट्रेशन एक बार फिर जल्दी ही ओपन होने वाला है और ये जानकारी दी है नोटिस के थ्रू कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने। और क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, पहले ओपन हुआ था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी नहीं थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कर्नाटका में एडमिशन लेने के कई फायदे हैं। एक, कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, कई सारे कॉलेजेस की फीस काफ़ी लो है और जो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर 550 प्लस है और उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है और वो एक बजट पे मेडिकल कॉलेज सर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी कर्नाटका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ में ही यहाँ पर स्टूडेंट को MBBS करने के बाद PG का बेनिफिट भी मिलता है। कैसे, इस बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से फ़ोन करके बात कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप की जो चैट कम्युनिटी हमने बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगा हम उसकी जानकारी आपके पास सबसे पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू भिजवा देंगे। और भी सारी जानकारी जो नीट काउंसलिंग से रिलेटेड आपको ज़रूरत होती है वो सब आपके पास पहुँचेगी सबसे पहले, और वो भी आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखते हुए। तो अगर आप कर्नाटका से MBBS, BDS, यूनानी, BHMS, BAMS कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ तक नर्सिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहिए। इसका नोटिफिकेशन आते ही हम आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू अपडेट करेंगे। ऐसी ही अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड थैंक यू।